बातें कही गई और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष यानी जो संत मूल सहित यानी जड़ से लेकर और सभी पार्ट्स को जानता है, मूल सहित तत्व से जानता है, सह वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता एक अनमोल ग्रंथ है। इसमें बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन ये तत्व ज्ञानहीन संत इस पवित्र सदग्रंथ को समझ नहीं सके। इन्होंने अड़ंगा कर दिया अनुवादों में और श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर यानी विष्णु जी को सर्वेश्वर मानकर इस गीता के अर्थों को घुमा घुमा कर सबका बठा बठा दिया इन्होंने और पूरे मानव समाज को गुमराह कर दिया। सदग्रंथ सही है। अब जैसे परमात्मा कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को आकर ये तत्व ज्ञान दिया, सतलोक से चलकर आए थे, और यही परमात्मा के गुणों में है कि वो परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म अपने उस द्यूलोक के तीसरे स्थान से चलकर आते हैं जहां वो रहते हैं, गति करके आते हैं और श्रेष्ठ आत्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, दृढ़ पुरुष को मिलते हैं, अच्छी आत्मा को दृढ़ भक्त को मिलते हैं। उनमें से एक धर्मदास जी थे और धर्मदास जी को परमात्मा ने ये ज्ञान सुनाया था 600 वर्ष पहले कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, ये इनकी जन्म और मृत्यु होती है। तब धर्मदास जी ने कहा था कि प्रभु ये वेद और ये सभी पुराण आदि कतेब कहती हैं सब झूठे हैं, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इनमें ऐसा कहीं नहीं लिखा, क्योंकि उनके गुरु लोग थे जो वेदों और गीता के विरुद्ध ज्ञान दे रहे थे और कह रहे थे हम वेदों और गीता और पुराणों से बता रहे हैं आपको। तो धर्मदास जी ने कहा कि ये तो फिर झूठे ज्ञान है वेदों और कतेबों में पुराणों में गीता जी में। परमात्मा कबीर जी ने कहा था वेद कतेब झूठे नहीं भाई, झूठे हैं तो समझे नाही, झूठे ये हैं तो इनको सदग्रंथों को समझ नहीं सके, वेद ग्रंथ ये झूठे नहीं। अब देखना एक से लेकर चार तक आपको 15वें अध्याय का निर्णय देते हैं, देखिएगा वही श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 हमने प्रथम मंत्र पढ़ दिया, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, नीचे को शाखा वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं और पत्ते आदि जो छंद हैं इसके, छंद माने विभाग है, वेदनी छंद का अर्थ वेदनी होता है, और उस संसार रूपी वृक्ष के वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी सभी भागों को तत्व से जानता है, यह वेद तत्व वेद माने जानना तत्व से जानता सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत है, वेद के तत्व जानने वाला। अब दूसरे में क्या कहा गीता ज्ञानदाता ने, केवल इतना बोल दिया कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बनी हुई, जल के द्वारा नहीं है, तीनों गुण रूप विषय पर वाला शाखा, ये तीनों तो विषय विकारों की शाखा समझो, रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु उत्तम गुण शिव जी, और नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं नीचे और ऊपर फैली हुई है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था और ब्रह्मा विष्णु महेश जी की समर्थता ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे पाताल लोक तक है, इसलिए ऊपर नीचे और ऊपर बोला है, फैली हुई है, और मनुष्य लोक में यानी काल के लोक में कर्मों के बंधन में कर्मों अनुसार बांधने वाली, जिसने जैसे कर्म किए वैसा फल ब्रह्मा ये विष्णु जी देते हैं, तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश जी देने के ये मुख्य कारण है, मूलानी में हम
ये मुख्य दृढ़ है, मुख्य कारण है, और नीचे और ऊपर फैली हुई है, व्याप्त है सभी लोगों में। अपनात्मा ये निर्णय करना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है और सतगुण विष्णु, ये तीनों गुण संसार वर्क्स की तीनों गुण शाखा, ये शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई। अब ये निर्णय करते हैं, ये दिखेगा श्री शिवपुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 110 पृष्ठ पर ये स्पष्ट किया है कि तीनों गुण कौन है। संक्षिप्त शिवपुराण 110 पृष्ठ पे और रुद्र संहिता और 9वें अध्याय के लास्ट में लिखा है। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव ये काल ब्रह्म गुणातीत माने गए। अब आपको दिखाते हैं, अब इसमें पवित्र शिवपुराण में स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी हैं, और इनका पिता जो है वो सदाशिव यानी शिव रूप में या ब्रह्मा रूप में विष्णु रूप में ऐसे दर्शन देता है, इसलिए इसको शिव भी कहते हैं, कहीं इसको महाब्रह्मा भी बोलते हैं इस ब्रह्म को, कहीं इसको महाविष्णु भी बोल देते हैं। अब देखिएगा श्रीमद देवी भागवत ये कंसेप्ट क्लियर करेगा। श्रीमद देवी भागवत हिंदी टीका सहित भाग एक, ये कहां से प्रकाशित है, अथ देवी भागवतम सभाष टीकम सहमातम, ये खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई 4 से यहां से छपा, इसके तीसरे सकंद में। यह है अथ श्रीमद देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद है प्रारंभते, इसके 11 पृष्ठ पे और तीसरे सकंद में 5वां अध्याय, तृतीय सकंद है और 5वां अध्याय इसका 8वें मंत्र में, 7वां यहां समाप्त हुआ 8वां प्रारंभ हुआ। भगवान शंकर बोल रहे हैं, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रधान किया है, और ब्रह्मा रजोगुण और हरि विष्णु सतोगुण, विष्णु को हरि बोलते हैं सतोगुण क्यों युक्त किए हैं, क्यों युक्त क्यों किए हैं किया है। अब संस्कार देखिएगा, ये 7वां समाप्त हुआ 8वां यहां पढ़ रहे हैं। यदि दया धर्मना न सदाबिके कथम अहम विहित है, मैं क्यों बना दिया, विहित माने उत्पन्न कर दिया, कथम अहम विहित है तमोगुणा, तमोगुणा है, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों संभव बना दिया, शोभित किमो सतोगुण हरि, और आपने विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया। यदि आप हम पर दयालु हो तो ये जुल्म हम क्यों कर रहे हैं, हमसे हमें ऐसा क्यों बना दिया, क्यों युक्त कर दिया। अब और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, अपनात्मा ये स्पष्ट होगा कि रजगुण ब्रह्मा जी हैं, सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब और कति कंसेप्ट क्लियर करते हैं मार्कंडेय पुराण में, मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप के और हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पर आप देखिएगा, ये 123 पृष्ठ पर इस तरह स्वंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान
विश्वपालक विष्णु हैं और ये ही तीनों देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। कती कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये तीन गुण यही हैं। अपनात्माओं, ये सदग्रंथ ये कोई बालकों का खेल नहीं, किनको समझ ले। परमेश्वर कबीर देव जी के बिना ये बुद्धि कोई हमें दे नहीं सकता। परमेश्वर कबीर जी ने आप ही अपनी महिमा आप बताई, आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप वाजे, आप ताल जहां चनकारा, आप नचे आप देखन हारा। परमेश्वर ने आके बताया कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुझ छड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब परमात्मा आप पे आकर बताया करते थे कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे न सार रहे अज्ञानी। गुरु बिन काहू पाया ना ज्ञाना, जो थोथा भूसड़े मूड किसाना। कि जैसे ये धान जाड़ दिए, उसे धान अलग कर दिए, प्राण पड़ी रहेगी और कोई प्राण ने कुट्टे उस भूसने तो उसमें के मिल लेगा उसने, वो तो व्यर्थ प्रयत्न है। तो तत्व ज्ञान के अभाव से सदग्रंथों को ना समझकर जो भी साधनाएं कठिन से कठिन या जैसी भी जिसने की, वो थोथे भूस पर लठ मार रहा था, थोथे भूस को कूट रहा था, यूजलेस रहा। तो परमात्मा कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मूड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझे ना सार रहे अज्ञानी। अपुनात्मा आज सुबह के सत्संग में और कल के भी सत्संग में रह रहकर ये बताया गया था कि ना तो ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना शिव जी और ना ही सतयुग के ब्राह्मण ऋषि महर्षि वो वेद ज्ञान से परिचित नहीं थे, क्योंकि वेदों में कहीं पर भी दुर्गा की पूजा का प्रावधान नहीं है। केवल एक पूर्ण परमात्मा की साधना का ही निर्देश है, या फिर ब्रह्म अपनी साधना बताता है कि मेरा एक ओम नाम है। उसके अतिरिक्त किसी भी देवी या देवता की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, रंग किसी की पूजा का कोई प्रावधान नहीं। और इन वेदों को ना समझकर ऋषि महर्षियों ने कठिन से कठिन साधनाएं की, उसे सिद्धियां आ गई, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुई। अब श्रीमद् भगवद गीता जी को आगे समझेंगे बहुत ही आसानी से। अब देखिएगा, अब फिर हम 15वें अध्याय पर आते हैं, पंच दसो अध्याय। ये प्रथम हमने पढ़ लिया कि संसार रूपी वृक्ष का ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर, वो परम अक्षर ब्रह्म तो मूल है, जड़ है, और अधः शाखा नीचे को शाखा। और जो संत ये नीचे को शाखाएं हैं और जो उस जिसे वेद कहते हैं, जिस वेदादि जिसके पत्ते कहे गए, और उस संसार वृक्ष को जो पुरुष जो संत तत्व से जानता है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत। अब दूसरे में क्या कहा है, संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखाएं, तीनों गुण रूप शाखाएं, विषय पर वाला शाखाएं नीचे और ऊपर फैली हुई है, सर्वत्र नहीं। और कर्मों के अनुसार, यानी जैसे कर्म जिसने कहे उसका फल ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही देते हैं, इसमें कोई परिवर्तन वो नहीं कर सकते। ऊपर और नीचे फैली व्याप्त हो रही हैं सभी लोगों में, नहीं ऊपर और नीचे। अब तीसरे में क्या कहा है, इस संसार का, यानी यहां जैसे दूसरे में 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं, एक बार फिर देख लीजिए, अब समझ में आ जाएगा।
ये है संसार रूपी उल्टा ऊपर को जड़वाला नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा।